आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जगदीश कक्षा 9 का छात्र है, जहां पर यहां बिजली एक थर्मल पावर हाउस से आती है। राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में बढ़ोतरी की, जिसके चलते जगदीश के परिवार को हर माह मिलने वाला बिल, बिजली का बिल काफी बढ़ गया था। जगदीश का परिवार इसे लेकर के चिंतित था और जगदीश भी चिंतित था, और अब उन्हें हर महीने ज्यादा बिल का भुगतान करना पड़ेगा। तो जगदीश ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय सोचे और उसने बिजली बिल कुछ हद तक कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अपने माता पिता को बताया। तो उनके माता पिता और उसकी छोटी बहन को यह विचार बड़ा पसंद आया और उनकी छोटी बहन ने भी बचत के उपायों में पूरा सहयोग देने का वादा किया। जब जगदीश के सुझाए उपायों पर अमल किया गया तो उनके परिवार को अगला बिजली का बिल उम्मीद से भी कम था। तो परिवार में सब बहुत खुश हुए, क्योंकि पैसे की बचत हुई थी। तो थर्मल पावर हाउस में बिजली कैसे पैदा होती है, ये हमसे पूछा गया है बेटा। तो देखिए, ये होता है हमारे पास में थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट का जो मुख्य ईंधन होता है ना, मुख्य ईंधन वो क्या होता है, वो होता है बेटा हमारे पास में एक तो कोयला, पहला क्या होता है कोयला, और जो दूसरा होता है बेटा वो होती है प्राकृतिक गैसें, है ना, प्राकृतिक गैसें। और इन दोनों से ही क्या पैदा करी जाती है बेटा, विद्युत पैदा करी जाती है। वो किस तरीके से पैदा करी जाती है, सबसे पहले इनके पास में कौन सी ऊर्जा होती है, इनके पास में होती है रासायनिक ऊर्जा, है ना, क्या होती है रासायनिक ऊर्जा, जिन्हें जिन्हें क्या किया जाता है, वायु के साथ में मिला करके बॉयलर में डाला जाता है और इनको गर्म किया जाता है, जलाया जाता है। और इनको जलाने से जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि ये जलाने से क्या मिलती है बेटा, इसको ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, और यही ऊष्मीय ऊर्जा से ये बॉयलर के अंदर जो पानी होता है वो भाप में बदलता है ना, और वही भाप की वजह से ये टरबाइन जो यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ये टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमना मतलब कि क्या हो गया, टरबाइन के घूमने का मतलब हो गया कि ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तीसरे नंबर पर यही वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब कैसे, टरबाइन का घूमना, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा मतलब ये इनका जलना, और ऊष्मीय ऊर्जा से क्या हो जाती है बेटा, भाप बनना, और ये भाप से क्या होता है, गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे टरबाइन घूमता है। और जैसे ही टरबाइन घूमता है, तब ध्यान से देखिएगा, टरबाइन जो है वो किससे कनेक्टेड रहता है बेटा, हमारे पास में यहां पर ये इलेक्ट्रिक मोटर से, है ना, या फिर हम लोग बोल दें इसको विद्युत जनरेटर से ये रहता है कनेक्टेड, ठीक है। तो टरबाइन के घूमने से क्या होता है बेटा, जनरेटर भी घूमता है, है ना, टरबाइन का घूमना व जनरेटर का भी, जनित्र का घूमना। और जनित्र के घूमने से क्या होती है, इसके अंदर एक चुंबकीय कॉइल लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है और एक विद्युत, मतलब जो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि विद्युत बनती है, क्योंकि विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो यहीं से ये क्या बनती है बेटा, विद्युत ऊर्जा हमें मिलती है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका पूरा का पूरा काम होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।